स्टार मिशन में आज हम हमारे साथ है पैंथर पार्टी के बहुत ही फेमस और सीनियर नेता श्री हर्षदेव सिंह जी, जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आज उनकी जुबानी हम सुनेंगे कि जो मौजूदा सरकार है हमारी बीजेपी पीडीपी, उनके कार्यकाल के बारे में ये बताएंगे कि वो सरकार हमारे अपने वादों पे किस तरह काम कर रही है और आज तक जनता के लिए उन्होंने कितना ही वर्क किया है। अब ये अपने इनके अपने विचार जो मौजूदा सरकार के बारे में है वो बताएंगे, क्योंकि ऑपोजिशन में इस वक्त जो लीडर है वो उनसे अच्छा लीडर और कोई नहीं है इस टाइम। तो अब जानेंगे अब ये हमारे लाइट ऑफ नेशन को अपनी ये पूरी जो स्टोरी है ये हमें बताएंगे। सर, लाइट ऑफ नेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले और आपने कब से ये पॉलिटिशन ज्वाइन की। देखिए, मेरा नाम हर्षदेव सिंह है और मैं तीन बार जो है एमएलए रहा हूँ रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, और एजुकेशन मिनिस्टर भी रहा हूँ इस दौरान मैं। और इस वक्त पैंथर्स पार्टी का चेयरमैन भी हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जो मुतालबे हैं उनको बाहर उभारते रहें और सरकार को जो है चेताते रहें कि जो वादे उन्होंने लोगों के साथ किए थे वहाँ कहाँ तक वो पहुँच पाए हैं और कहाँ कहाँ खामियाँ जो हैं। सर, अभी मौजूदा सरकार जो जैसे बोल रहे हैं बहुत से वादे किए, अभी बीजेपी के 24 एमएलए हमारे जम्मू में आज बहुत देर के बाद ऐसा देखने को मिला है कि जम्मू में बीजेपी को इतना अच्छा मैंडेट मिला है, तो आपका क्या कहना है कि ये उस उम्मीद पे, लोगों की उस उम्मीद पे खरा उतर रहे हैं जो उनकी जो वादे थे, क्या आप उस पर पूरी तरह खड़े उतर रहे हैं कि इनमें काफ़ी कमियाँ देखने को मिल रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब इलेक्शन लड़ी थी तो बहुत सारे वादे जम्मू के लोगों के साथ किए थे और ये कहा था कि जो भेदभाव जम्मू के साथ हो रहा है पिछले कई वर्षों से उसको दूर किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी जो अपनी प्रिंसिपल्स और नारे जो कहा जाता था कि हैं, ये कहा था कि इनके ऊपर अमल दरामद होगी। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 370 जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के भारत के साथ टोटल इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है और जब वो सत्ता में आएंगे तो 370 को जो है वो हटाया जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो दो विधान का और दो झंडों का कानून है आने के बाद उसको ख़त्म किया जाएगा और रियासत के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और दो झंडों के बजाय जो है वो एक झंडा रहेगा। इसी तरीके से उन्होंने ये कहा था कि जम्मू के युवाओं को डोगरा सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि हदबंदी नए सिरे से होगी, डिलिमिटेशन होगा और जम्मू और कश्मीर में जो सीटों का एक भेदभाव है, एक बहुत भारी अंतर है, उसको दूर किया जाएगा और नई असेंबली सीट्स जो है वो जम्मू के अंदर क्रिएट की जाएंगी ताकि लोगों की जो देर दरीना एक मांग रही है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो जम्मू में कम होने की वजह से यहाँ के लोगों को नुकसान होता है और एक पॉलिटिकल डोमिनेशन कश्मीर की हमेशा रहती है, उसको एड्रेस किया जाएगा। इसी तरीके से इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को स्टेट सब्जेक्ट देने का वादा यहाँ किया था। इसी तरीके से इन्होंने ये कहा था कि जम्मू की बेटियां जो बाहर शादी हो जाती हैं उनके बच्चों को स्टेट सब्जेक्ट का अधिकार मिलेगा। इन्होंने कहा था कि पीओके के माइग्रेंट्स हैं जो, उनको 5 सीटें जो हैं वो यहाँ जो जितने भी लोग यहाँ आए हुए बस रहे हैं उनको 5 असेंबली के अंदर सीट्स जो हैं वो दी जाएंगी। कश्मीरी पंडितों को इन्होंने कहा था 3 सीट्स दी जाएंगी। इसी तरह से इन्होंने बहुत सारे जो है जनता को लुभाने के लिए वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये अपने किसी भी स्लोगन के ऊपर अटल नहीं रह सके और इन्होंने टोटल सरेंडर कर दिया पीडीपी के समक्ष सत्ता की खातिर। और जितने भी वादे लोगों के साथ किए थे, जितने भी नारे दिए थे, उनमें से एक भी नारे के ऊपर ये खरा नहीं उतर पाए और लगातार ये कश्मीर सेंट्रिक एजेंडा को यहाँ प्रमोट किया जा रहा है।
पीडीपी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी ने मुकम्मल तरीके से घुटने टेके हुए हैं और उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, उनके जो स्लोगन्स हैं, उनको ही इम्प्लीमेंट करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा है, बहुत मायूसी है, बहुत गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, ना केवल इस बात के लिए कि इन्होंने अपने वादों से जो है वो बैक ट्रैक हो गए और मुकर गए, बल्कि इसलिए भी कि ये सेपरेटिस्ट एजेंडा को भी जम्मू कश्मीर में प्रमोट करने के लिए पीडीपी के साथ जो है वो पूरा कॉट जो है साथ चल रहे हैं। अब वहाँ के लोगों ने और पीडीपी ने कहा कि कश्मीर के अंदर सैनिक कॉलोनीज नहीं बन सकी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरेंडर कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित्स का जो है सेपरेट टाउनशिप्स हम नहीं बनने देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐलानात करने के बावजूद भी उस इशू के ऊपर भी जो है वो सरेंडर कर दिया। इसी तरीके से जो है खुली छूट अलगाववादियों को दी हुई है, बावजूद इसके कि वहाँ हिंदुस्तान के झंडे का अपमान होता रहा, पाकिस्तान का झंडा आए दिन फहराता जाता रहा और हिंदुस्तान के खिलाफ जो है एक मुहिम अलगाववादियों द्वारा और आतंकवादियों द्वारा जो है वहाँ छेड़ी गई, लेकिन किसी भी अलगाववादी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं चलाया। और इसके बरक्स मेजर गोगोई जैसे जो देशभक्त थे उनके खिलाफ FIR लगा दी गई। ये BJP के राज में हो रहा है, जो बड़ी बड़ी बातें देशभक्ति की करती थी, आज देशभक्तों के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा जो है मुसीबत जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। और यहाँ जो लोग मार्टियर्स यहाँ के जो है, ये पहली रियासत है जहाँ मार्टियर्स को रियासती सरकार की तरफ से कोई भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राष्ट्रवादिता के नारे लगाने में जितने ये लोग उतावले रहे हैं और आगे रहे हैं, आज एक बहुत बड़ा मजाक जो है इन्होंने बनाया हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर और लोगों में एक घोर निराशा है। बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ जम्मू से ही मैंडेट मिला, 25 सीटें जो आई वो जम्मू से आई, लेकिन आज जम्मू के युवाओं के अंदर भी एक बहुत भारी रोष है, एक गुस्सा है, क्योंकि जो भी सिलेक्शन लिस्ट इनके राज में निकल रही है उसमें जम्मू का हिस्सा नाम मात्र का ही है। मैक्सिमम शेयर जो है 90% और इससे भी ज़्यादा शेयर जो है मुख्तलिफ सिलेक्शन लिस्ट में कश्मीर को जा रहा है और ये मुख्य दर्शक बने हुए हैं, ये मिट्टी के मादो साबित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के 25 MLA। और लोगों में एक भारी रोष है, एक भारी गुस्सा है, लोगों का ये मानना है कि ये सत्ता की खातिर अपने तमाम बलिदानों की, अपने तमाम सिद्धांतों की बलि देने वाली पार्टी है। और एक मायूसी जो जैसे हमने कहा कि जम्मू के लोगों को इनसे खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी से। सर जैसे कि आपका एक उधमपुर रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी और ये आपका एक गढ़ रह चुका है पैंथर पार्टी का, पिछले दिनों आप वहाँ के जो आपके चुनाव हार जाने के कारण वहाँ आपके जो उम्मीदवार थे आपको क्या लगा, उसमें कुछ कमियाँ थी आप में या कि जो देश में चल रही मोदी लहर के कारण ही ऐसा? देखिए लोगों को कुछ कमियाँ भी लगी होंगी तभी हमको वोट नहीं दिया है, इसमें हम ये नहीं कहेंगे, शायद हमने ना किया हो कुछ जो वो चाहते थे। और अब लोगों ने नए उम्मीदवार को जिताया है तो अब देखते हैं कि क्या लोगों को कितना कुछ उससे मिलता है हासिल होता है। तो सर अब जम्मू में जैसा ये चल रहा है अपोजिशन आपको लगता है कि स्ट्रांग होने से ही आगे कार्यक्रम जो है मौजूदा सरकार कर सकती है, तो आपको क्या लगता है जम्मू में ऐसे जैसे एक बहुत ही बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस है श्रीनगर, तो जब से हालात खराब है श्रीनगर में तो ऐसा कोई टूरिस्ट बाहर से जाने से डर रहा है, तो जम्मू में हमारे इतने पिकनिक स्पॉट है, इतने टूरिस्ट प्लेस है,
लेकिन उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या आप इस इशू को भी मौजूदा सरकार के आगे उठाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम तो हर एक इशू को उभार रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं किस तरीके से जम्मू को मुकम्मल तौर पे जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे आपने टूरिज़्म की बात की, तो टूरिज़्म भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक फैक्टर है, और डिस्क्रिमिनेशन इस शोबा में भी बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट्स को हमेशा प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, बावजूद इसके कि वहाँ जो टूरिस्ट है वो बहुत कम है, निगलिजिबल है। जितना भी टूरिस्ट है आज की तारीख में जम्मू में जा रहा है, माता वैष्णो देवी की वजह से यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु हर साल जो है यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ के टूरिज़्म को जो है वो प्रमोट नहीं किया जा रहा है। शायद ये डेलिब्रेट है, जम्मू के अंदर अगर टूरिज़्म प्रमोट हो गया तो बाहर से जो लोग आएंगे वो यहीं रहेंगे और शायद कश्मीर के अंदर नहीं जाए, लोग वैसे भी नहीं जा रहे हैं आतंकवाद और लगावाद की वजह से। इस टूरिज़्म को अगर प्रमोट किया जाता है इसके जो नहीं करते, तो यहाँ की इकोनॉमी के लिए, रियासत की इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा बून साबित हो सकता है, बहुत फ़ायदा इसका हो सकता है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है, ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो टूरिज़्म से मिल सकता है। लेकिन उसकी तरफ भी सरकार की कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मुबारक मंडी का एक प्रोजेक्ट है वो कई सालों से अधर में लटका हुआ है। जो आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट है जम्मू के अंदर, वो ये सरकार आने के बाद बिल्कुल जो है वो ठप पड़ा हुआ है। और जो एक बाहु का जो केबल कार का प्रोजेक्ट था यहाँ पे, वो भी जो है कंट्रोवर्सीज में फंस के वो भी जो है वो ठप हो गया है। तो इसी तरह से बाकी के जो मानसर की झील है, सुमीसर की जो लेक्स है, वहाँ बहुत पोटेंशियल है। हमारा जो ये एरिया है पत्नी टॉप का एरिया है, या हमारा बॉर्डर टूरिज्म की अक्सर बात की जाती रही है, डूडो बसंतगढ़ बनी बिसोली के इलाके जो है, उसमें बहुत पोटेंशियल है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। और टूरिस्ट अट्रैक्शन के ये बहुत सिग्निफिकेंट सेंटर्स जो है वो प्रूव हो सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो है वो तवज्जो इन प्लेसेस को नहीं मिल पाती। सर, आपने देखा जम्मू में एक बहुत बड़े बाहर के जो बांग्लादेशी होंगे जो आके बसे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये भी एक ऐसा इशू है जो कि हमारे जम्मू के लोगों के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि बाहर से जो बांग्लादेशी आए हुए हैं उनके रहने से यहाँ के जिनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कल को कोई क्राइम हो जाता है उससे भी हमारे जम्मू वासियों को खतरा। तो इस इशू को भी आप अभी हाईलाइट करना चाहोगे, उसके बारे में भी जो आप बोलना चाहोगे? ये इशू इनफैक्ट पैंथर्स पार्टी ने बड़े जोर शोर के साथ उठाया है कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जो हैं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारे भाईचारे के लिए, कॉमनल हारमोनी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट आने वाले वक्त में साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, और कुछ लोग इनमें से जो है वो आतंकवादियों के साथ इनके साथ कनेक्शन जो है बताए जाते हैं। इनमें से एक जो बर्मी था, जिसको छोटा बर्मी कहा जाता था, जकी और हान अरकानी नाम से था वो, इसको कश्मीर त्राल एनकाउंटर में मारा गया था वो, क्योंकि वो मिलिटेंट्स के साथ था। और इसी तरह से ये कहा जाता है कि इनके कनेक्शन जो है उन लोगों के साथ हैं, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन भी इनकी सपोर्ट करता है, और आशिया अंद्राबी भी इनके हक में बयान देते हैं। और यहाँ पे उनका सेटल किया जाना जो है वो 370 के स्पिरिट के खिलाफ भी है, यानी कानूनी तौर पर भी वो यहाँ नहीं बस सकते। ये जो है खास तौर पर पैंथर्स पार्टी ने ही ये शुरुआत की थी कि इनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए जल्द से जल्द, वरना यहाँ पे जम्मू के अंदर भी एक मूवमेंट जो है आने वाले वक्त में इनके खिलाफ खड़ी हो सकती है, और उसके लिए भी सरकार जो है वो जिम्मेदार। सर, अंत में मैं लाइट ऑफ नेशन हमारे जो मैगजीन है इसके साथ ही हमारा यूट्यूब ऑनलाइन चैनल है, और इसके साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, हमारी एक एनजीओ है बेटिया फाउंडेशन, जो एनजीओ हमारे गरीब लोगों लड़कियों की शादी के लिए अपनी एनजीओ की तरफ से उनकी हेल्प करती है। जो लड़कियाँ यहाँ पे अपने स्टेट का, अपने नेशनल का नाम रोशन करती है, उनके लिए उनको
आगे सम्मानित करती है, तो आप उनके बारे में हमारे लाइटर मिशन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? देखिए, अच्छी बात है कि जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना और गर्ल्स को, जैसे आजकल का स्लोगन भी चल रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसमें अगर लाइट ऑफ नेशन अपना काम कर रहा है तो उसको हम मुबारकबाद देंगे और अच्छी बात है, उसको जो है पूरा इंकरेजमेंट आपकी मुहिम को मिलनी चाहिए और मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रेशियो है मेल और फीमेल का वो काफ़ी हद तक जो है इम्बैलेंस उसमें क्रिएट हो गया है, तो ये लाजमी है कि हम इस बैलेंस को बनाए। नेचर का जो ये एक कानून है उसके साथ किसी किस्म की छेड़खानी ना हो, और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम में जो है वो सारों को काम करना चाहिए, और लाइट ऑफ नेशन जो काम कर रहा है वो हम उसको उसके लिए मिला रहे हैं। सर, लाइट ऑफ नेशन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना कि हमारे हर्षदेव सिंह, उन्होंने अपने विचार रखे हमारे लाइट ऑफ नेशन द्वारा, लोगों तक अपने विचार पहुँचाए कि मौजूदा सरकार किस तरह काम कर रही है और उस सरकार में क्या क्या कमियाँ, उनको क्या चाहिए कि लोगों का जो भरोसा है, जो उन्होंने इलेक्शन टाइम के वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार को किस तरह अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। तो आपने ये सब उनकी दिवाली सुना है, अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में जब हम दोबारा हर्षदेव सिंह से मिलें तो ये कोई अच्छी सी कोई मिनिस्ट्री लेवल पे दोबारा आ जाए।